हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनीता, कुकुज सुनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कच्ची करी का मीठा अचार लेकर आई हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पे 4 किलो कच्ची करी ली है। इसको मैंने पहले धोकर अच्छे से काट ली है। उसके बाद 150 ग्राम नमक और 2 चम्मच हल्दी देकर इसको मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद सुबह मैंने इसको छान के 2 घंटे के लिए धूप में दिखा दी है। देखिए हमारा करी कितना सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मैंने कढ़ाई में 8 से 10 दालचीनी का टुकड़ा और 10 से 15 सूखी लाल मिर्च को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसमें 10 से 12 काली मिर्च देंगे और उसको भी थोड़ा रोस्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से मसाला कम या ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें 6 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच जीरा दिया है और इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए इसे ठंडा करके हम पीसेंगे। उसके बाद 4 चम्मच पीली राई और 2 चम्मच काली राई को ज्यादा नहीं थोड़ा रोस्ट करेंगे। उसको भी इसी मसाले के साथ हम निकाल देंगे। अब ठंडा करके इसको दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है। 4 किलो आम के हिसाब से मैंने यहाँ पे 300 ml सरसों का तेल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आम को डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखना। हमारा मसाला पीस के रेडी हो गया है और इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। पूरे 10 मिनट के बाद देखिए हमारा आम कितना सॉफ्ट हो गया है और कलर भी पूरा चेंज हो गया है। इसको छोड़ना मत, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और इसमें 3 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। नमक तो हम पहले भी दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 किलो आम के हिसाब से 2 किलो चीनी को ग्राइंड कर लिया है और इसी चीनी पाउडर को थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसमें मिलाएंगे। एक बार में नहीं डालना। आप इसी तरह आचार बनाएंगे तो ये 1 साल क्या पूरे 2-3 साल अच्छे से रहेगा। देखिए चीनी हमारा पानी छोड़ दिया है। इसको और थोड़ा पकाएंगे। ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये सूखने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये हमें एक तार वाला ही चाहिए। देखिए ऐसे ही हमें रखना है इसको। ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे।
अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम कलर के लिए लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये ज्यादा तीखा नहीं होता। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। उसके बाद एक चम्मच में थोड़ा ऑयल गरम करके इसमें हींग और एक चम्मच काला जीरा को डाल के इसके ऊपर डाल देंगे। काला जीरा देने से इसका लुक अच्छा आएगा। देखिए अचार हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसको निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको एक जार में ठंडा होने के बाद भर देंगे। जार को पहले अच्छे से गर्म पानी से धोकर इसको धूप में सुखा देंगे। उसके बाद इसमें अचार डालेंगे। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए ठंडा होने के बाद अचार कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। मीठा मीठा अचार खाइए और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।